ये जो है ना, इसके मतलब एक और दवा मुझे पढ़ा हुआ, मुझे इस ध्यान में नहीं आ रही, जो नाखून के साथ थोड़ी छोटी उंगलियां भी खा जाते हैं, चमड़ा जो हाथ का नीचा वो भी काटा जाता है, ये टिपिकल किसको याद है, कोई कौन सी दवा है, नेटमेर में है या नेटर किस, में, हाँ नेटर में। नेटमेर में भी गालबन है, लेकिन और भी चेक करना चाहिए, मुझे नेटमेर में याद पड़ता है कि उसमें था। ये कैल्केरिया का मरीज तो नहीं दिखाई दे रहा, देखने में वैसे तेज तर आ रहा है, हाँ कैल्केरिया का मरीज नहीं है, नेटमेर पॉसिबल मुमकिन ना हो। हाँ नेटर हाँ जी, देखा ही होम्योपैथ ने फौरन पतला दे दिया इसके ऊपर, वो खिला के देखें। नेटमोर की असल अलामत ये होती है, जो गालबन इसमें नहीं होगी क्योंकि मौका नहीं मिलेगा आपको देखने का, कि नाखूनों के पास ये जो जिल्द है जिसने नाखूनों को पकड़ा हुआ है वो उखड़ती है और छोटे छोटे धागे से यहाँ दिखाई देते हैं, उनको मरीज नोचता है तो दर्द होती है, लेकिन उसके बगैर तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि जब उल्टी तरह से हाथ लगता है उसको तो फिर मरीज बहुत तकलीफ महसूस करता है, इसलिए उसको नोचता है। और अगर ये हो तो फिर रफ्ता रफ्ता नोचने की आदत पड़ जाती है। ये अमूमन इसका आगाज जो मैंने देखा है वो इस तरह होता है। अब मुझे पता नहीं इसके नाखून इसी तरह थे कि नहीं, लेकिन ये जब चीज उखड़ती है करीब से तो नाखूनों में अमूमन एक बेचैनी पैदा होती है, इसलिए ये कोई बईद नहीं कि बगैर उखड़े भी वो बेचैनी मौजूद हो, उसकी वजह से बच्चा बार बार नाखून को मुंह में चबाता हो, देखे देखे पता लग जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, इसको साथ ले जाना अगर स्कूल ना गया हो तो। जी।